Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss all the questions of Muslim law which came in the exam paper of UGC NET law papers from the year 2016 to 2023. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट 63, ए मुस्लिम कैन मेक अ बिक्वेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ हेयर टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना कर सकता है वो? 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी. वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये. Actually, 115, assertion, meher, dower, is a sum of money which the Muslim husband agreed to pay to wife as a mark of respect for her, for agreeing to marry him. Since Muslim marriage is a contract, it is necessary to that dower must be specified at time of marriage and it is not specified, it can be presumed. This is correct. Phir hai, if not paid earlier, meher become due on death of husband or dissolution of marriage by divorce. Bilkul theek hai, ye toh both correct ho gaye toh. एंड इसके एक्सप्लेनेशन हो गई, तो वन इज दी आंसर. नेक्स्ट 22, विद रिस्पेक्ट टू मुता मैरिज अमंगस्ट मुस्लिम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. स्पाउस हैव नो राइट ऑफ म्यूचुअल इनहेरिटेंस इवन इफ वन ऑफ द स्पाउस डाइज व्हेन इफ मुता इज सब्सिस्टिंग. तो ये बिल्कुल ठीक है. फिर हस्बैंड हैज नो राइट ऑफ तलाक दो द पार्टी इज फ्री टू टर्मिनेट इट बाय म्यूचुअल कंसेंट. ये बिल्कुल ठीक है. चिल्ड्रन ऑफ मुता मैरिज आर ये लेजिटिमेट होते, लेजिटिमेट नहीं होते, तो ये हो गया रॉन्ग. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 4 इज द आंसर. और इसमें डाइवोर्स के राइट्स नहीं होते, इसमें क्या होता है हिबाए ए मुद्दत. तो अगर वो दे दिया, मुता मैरिज का मतलब ही क्या है ना, फॉर अ पीरियड, मुद्दत के लिए. मुद्दत का मतलब क्या होता है, फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड. हिबाए मुद्दत का मतलब क्या होता है, यू हैव गिवन अ गिफ्ट और अ अमाउंट फॉर द टाइम यू स्पेंड इन द मैरिज, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू इद्दत पीरियड. इद्दत ऑफ विडोहुड इज 4 months and 10 days. बिल्कुल ठीक है. द पीरियड ऑफ इद्दत बिगिंस फ्रॉम अ डेट व्हेन शी कम्स टू नो ऑफ डाइवोर्स एंड नॉट फ्रॉम अ डेट ऑफ डाइवोर्स इज प्रोनाउंस्ड. नो, वो डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट से ही होता है, ये हो गया रॉन्ग. फिर इफ द मैरिज इज इरेगुलर एंड इज कंजुमेटेड द वाइफ इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व इद्दत. ये बिल्कुल ठीक है. शादी चाहे कैसी भी हो, कंजुमेट हुआ है तो इद्दत पीरियड रहेगा, करना पड़ेगा ऑब्जर्व. फिर इफ वाइफ ऑब्जर्व इद्दत हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. बिल्कुल ठीक है. फिर इन केस द वाइफ इज प्रेग्नेंट पीरियड ऑफ इद्दत एक्सटेंड टिल डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. बिल्कुल ठीक है. तो ए सी डी ई इज द आंसर, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 23, द केस ऑफ बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन फिदाली इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है ये, मेंटेनेंस से. तो 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 29, इन विच द फॉलोइंग केस द प्रिवी काउंसिल हैज हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंशियल मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड नॉट रूल ऑफ एविडेंस. तो ये केस था हबीबुर रहमान वर्सेज अल्ताफ अली, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. हिबा गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज द इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड ट्रांसफर ऑफ कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिटर्न. ये बिल्कुल ठीक है. फिर है अंडर मुस्लिम लॉ ए गिफ्ट ऑफ इम्यूबल प्रॉपर्टी कैन मेड वर्बली विदाउट रिकॉर्ड्स टू अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. यस, बिल्कुल ठीक है. फिर गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट इज वैलिड, यस. फिर है ए गिफ्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट एंड लार्ज इन टू एन एब्सोल्यूट एस्टेट, नो, ये गलत है. फिर है द सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट में भी कॉर्पोरियल ओनली, नो, दोनों हो सकते हैं कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल. तो इसमें आंसर क्या रहेगा, 3 ए बी सी ओनली, ये तीनों ठीक हैं. नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. डॉवर इज अ कंसीडरेशन फॉर द सरेंडर ऑफ पर्सन बाय द वाइफ. पर्सन मतलब उसने खुद को जो है सरेंडर कर दिया है, किसको, हस्बैंड को. यस, ये बिल्कुल ठीक है. फिर डॉवर इज अ टेक्निकल एंग्लो मोहम्मडन टर्म फॉर इट्स इक्विवेलेंट मेहर इन अरेबिक. ये बिल्कुल ठीक है.
फिर डॉर मस्ट बी फिक्स एट द टाइम ऑफ सेरेमनी अदरवाइज मैरिज विल बी वॉइड. ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में कर सकते हैं फिक्स. देयर नो डाउट इज एक्सप्रेसली फिक्स एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी, लॉ कन्फर्स द राइट ऑफ डॉर अपॉन वाइफ. यस बिल्कुल ठीक है. तो टू इसका आंसर देगा ए बी डी. नेक्स्ट है 231. अमंग द मुस्लिम सरीरी इज दी व्हेन द बॉय और द गर्ल इज बिलो 10 ईयर या फिर अबव 7 ईयर बट बिलो 15 ईयर. तो आंसर क्या रहेगा टू. देखिए इसमें तीन होते हैं सगीर, सरीरी और बुलुग. तो 0 से 7, 7 से 15 एंड 15 अबव. टू इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. सुन्नत, इजमा एंड किया आर प्राइमरी सोर्सेज. क्या नहीं है उर्फ. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है एग्जाम में. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 27. विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डज नॉट डील विद द नीड ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया. देखिए शाबानो बेगम, सरलाम उदगल, जॉन वेलमेंटन, दिस ऑल आर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया. आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अशोक हुर्रा एंड रूपा हुर्रा, ये किस पे था. ये क्यूरेटिव पेटिशन पर केस है. तो अब डज नॉट डील है तो आंसर क्या रहेगा टू. नेक्स्ट 56. अंडर मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज नोन एज खुला मुबारक. तफवीज नहीं, तफवीज होता है तो मे बी दिस दैट्स व्हाई इट इज तलाक. तफवीज, तफवीज का मतलब क्या होता है, डेलीगेटेड तलाक. तो इसमें कौन कौन से फॉर्म है, खुला मुबारक. तो आंसर क्या रहेगा इसका बी एंड डी. टू इज द आंसर. नेक्स्ट 10 अब मैच करना है. अब देखिए 2019 में जो है ना ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट जो है पास हुआ था. तो रिसेंट करंट अफेयर्स ऑफ लॉ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो पनिशमेंट ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक कितने में है, सेक्शन 4 में. ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, सेक्शन 7. कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड, सेक्शन 6. तलाक टू बी वर्ड एंड इलीगल, सेक्शन 3. तो क्या बन गया इसका 3-2, 4-1. 3 देखिए एक में ही है, एक का 3. तो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 16. अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, डाइवोर्स वुमेन शैल बी एंटाइटल टू अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन इद्दत पीरियड बाय हर फॉर्मर हस्बैंड. यस, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. नो. गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर रिलेटिव इवन आफ्टर हर रीमैरिज. नो. आफ्टर रीमैरिज नो मेंटेनेंस. ऑल द property is given to her at a time only by her husband. No, this is also wrong. An amount equal to sum of mehar or dower agreed to be paid to her at a time of marriage or at any time thereafter according to Muslim law. Yes, this is correct. So answer kaun sa hua, A and E. 1 is the answer. Next 31 क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स. रिपीट क्वेश्चन 2021. देख सकते हैं सेम पूछा हुआ है. तो कुरान है, सुन्नत है, किया है, तकलीद नहीं है. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 51. अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज विद वुमन हुज हस्बैंड इज अलाइव इज वॉइड. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 74. जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर मुस्लिम लॉ. In gift, transaction, delivery, possession is necessary. In will, it is not required. Yes, true. Doctrine of Musha is also applicable in case of disposition by will. No. Musha kya hota hai? Bequeath of undivided share. Right of donor to a gift is unrestricted, but right of making a bequest is limited in 2 ways. Yes, 1/3 aap kar sakte ho. After completion, a gift cannot be revoked unless a formal decree of a court. A will may be revoked at any time before making it. This is also correct. Wrong क्या हुआ इसमें. 2. 2 is the answer. Next 41. Which of the following is an essential condition in मर्ज उल मौत. मतलब डेथ बेड. मर्ज उल मौत मतलब बीमारी से मौत हो गई बेड पर, ठीक है ना. तो ए है ए मेलेडी विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू मूव. देखिए मेलेडी मतलब डिजीज होता है, ये मेलोडी नहीं है, ठीक है, वो ध्यान कीजिएगा. तो कोई जरूरी नहीं है वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा. नॉट एन एसेंशियल
मस्ट बी कंटिन्यू फॉर मोर देन ईयर, जरूरी नहीं है। देयर मस्ट बी अप्रिहेंशन ऑफ डेथ, अभी उसको लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ तो जो है वो डिक्लेरेशन करके जाता है, तो दिस इज करेक्ट। विच कॉज प्रॉब्लम विद हार्ट, हार्ट प्रॉब्लम जरूरी नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसमें थ्री। नेक्स्ट है 52, डावर मे बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन फॉर कैनुबियल इंटरकोर्स बाय वे ऑफ एनोलॉजी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, कौन से केस में बोला गया था ये? अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, वन इज द आंसर। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस कब आया था? 1886, बहुत पुराना केस है ये। जुहैर अहमद 1959, रहाना खातून वर्सेस इख्तिकारुद्दीन 1942, हमीदुनिसा बीवी वर्सेस जहीर शेख 1890। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकते हैं ना इसमें। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, हनाफी है, मलिकी है, हनबली है, जैदिया है बट जैदा नहीं है, फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 52, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत अंडर सुन्नी लॉ इज इरेगुलर, वन इज द आंसर। नेक्स्ट 75, इस्लामिक लॉ इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 37, अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 द फॉलोइंग ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आर अवेलेबल टू वाइफ, where the whereabouts of the husband is not known for a period of 4 years, it is correct, 4 year imprisonment of the husband, no, it should be 7 years, ye ho gaya galat, husband has treated her with cruelty, yes, the husband has neglected her or has failed to pay her maintenance for a period of 2 years, this is correct, theek kon kon se ho gaya, a c and d, one is the answer, section 2 mein mention kiya hua hai ye sab। next 41, give the correct answer, मुता मैरिज इज अ टेम्पररी मैरिज अंडर सुन्नी लॉ, अंडर शिया लॉ मैरिज फॉर अ फिक्स पीरियड, यस। और देखिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसको आंसर कर पाएंगे, देखिए या तो सुन्नी में होगा शिया में, मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है, तो इसको ऑप्शंस देखिए, क्या ए बी डी है कहीं पर लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और क्या ए सी डी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब ये तो करेक्ट है ही है ए, तो ए तो आएगा सब में ही, और बी और सी में से एक आएगा, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए, अब इसमें से आपको देखना है कौन सा ठीक होगा, ए सी डी, थ्री इज द आंसर। नेक्स्ट 23, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, टेस्टामेंट, सक्सेशन एंड चैरिटीज अदर देन वक्फ, तो वन इज द आंसर। नेक्स्ट 26, तलाक ए हसन इज रिवोकेबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत, फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 50, अब बताना है करेक्ट इसमें से, मुस्लिम वुमेन कैन मैरी किताबी, नो इट इज रॉन्ग, शिया मेल कैन कॉन्टेक्ट मुता विद फायर वर्शिपर, ये करेक्ट है, फिर मैरिज ऑफ मुस्लिम वुमेन विद अ हिंदू वुड बी इरेगुलर, नो इट इज वॉइड, ये हो गया गलत, मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी विद हिज नीस, ये दिस इज करेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा, 2 and 4 आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, 7 year इंप्रिजनमेंट है, यस, failure of husband to payment 2 years, yes, whereabouts of husband has not been known for a period of 4 years, ye ho gaya wrong, not pucha hua to answer kya rahega isme 3, aur ye 3 years tak usko reasonable marital obligation nahi ki, ye bhi theek hai, section 2 mein hi mention kiye gaye hain, ye hai clause 3, ye hai clause 2, ye hai clause 1 and this is clause 4। इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 25, इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल तलाक वुड बी ट्रीटेड एज सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक, शमी मारा केस, फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 49, इन विच द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डिवोर्स इज गुड इन लॉ दो बैड इन थियोलॉजी, साराभाई केस, फोर इज द आंसर।
किसका पूरा नाम क्या था, सारा बाई वर्सेज राबिया बाई। और शमी मारा केस कौन सा है, शमी मारा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। सारा बाई केस कब का है, 1905 का। शमी मारा कब का है, ये 2002 का। शाबानो केस 1985 मेंटेनेंस पर है ना। बाई ताहिरा वर्सेज अली हुसैन कब का केस है, 1979 का। नेक्स्ट 50, इन मुस्लिम लॉ हिजानत रिलेटेड टू कस्टडी ऑफ चाइल्ड, तो मदर्स कस्टडी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 51, मैच करना है ये केसेस को, तो निजामन वर्सेज निजामन किस पर है, क्रुअल्टी पर। डैनियल लतीफी मेंटेनेंस पर, मुस्लिम लॉ मेंटेनेंस के पर है ना ये। हुसैन आरा वर्सेज जुबेदा बेगम, ये है डॉवरी पर। गुजरात वुमेन वर्कर्स एसोसिएशन केस ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जो ये गुजरात वुमेन वर्कर्स एसोसिएशन केस है, इसका नाम क्या है, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या बन गया, 4312 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, दर्शन है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज एन इजी प्रोसेस टू रिपीट द मैरिज अंडर हिंदू लॉ। यस इट इज करेक्ट, ऑप्शन प्यूबर्टी इज नॉट एन इजी प्रोसेस टू रिपीट द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या रहेगा, 2। नेक्स्ट 53, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ब्रॉट वेरियस ग्राउंड्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मलिकी स्कूल, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 54, द मुस्लिम हस्बैंड हैज ईमेल तलाक लेटर राइटिंग आई डिवोर्स यू विदाउट सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, तलाक विल बी नीदर वैलिड नॉर वॉइड और नो तलाक। नेक्स्ट 24, इफ अ मुस्लिम वुमेन इज प्रेगनेंट एंड द मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड, द पीरियड ऑफ इद्दत इज फॉर 4 लूनर मंथ्स होते हैं एंड 10 डेज और अनटू डिलीवरी व्हिच एवर इज लॉन्गर, तो आंसर क्या रहेगा, 3। नेक्स्ट 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, देखिए इजमा सुन्ना कस्टम दे आर प्राइमरी सोर्सेज, जुडिशियल डिसीजंस आर अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा गया नॉट इंपॉर्टेंट, अगर इसमें से कुछ भी हम हटा देते हैं दैट इज ए रॉन्ग आंसर, तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। अब नो लॉन्गर हाउ यू विल एनश्योर दैट इट इज नो लॉन्गर एन इंपॉर्टेंट सोर्स, ये जो बिकॉज मुस्लिम लॉ में तो क्या होता है, जो कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। ओके, और जुडिशियल डिसीजन तो हम आज भी जो है प्रेसिडेंट्स को हम लेते ही हैं, इजमा सुना तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट 50, सेक्शन 2 ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 मेक्स अवेलेबल द फॉलोइंग ग्राउंड्स टू अ वाइफ, 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यस, कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ हस्बैंड, यस ये भी ठीक है, इंसैनिटी ऑफ हस्बैंड फॉर द लास्ट 1 ईयर, नो, 4 ईयर एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, यस, तो आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 4, 3 इज इनकरेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 52, फेलिंग द मदर द फॉलोइंग फीमेल रिलेटिव आर एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ ए मुस्लिम चाइल्ड, तो पहले किसको मिलेगी, मदर्स मदर हाई सो एवर, ठीक है, फिर फादर्स मदर को जाएगा, उसके बाद फिर फुल सिस्टर को जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बन गया, पहले आएगा 213, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 53, इफ एनी पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, द मैजिस्ट्रेट मे सेंटेंस सच पर्सन टू इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, 2 इज द आंसर। थ्री देखिए एक में ही है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू मुता मैरिज, इट इज टेम्पररी मैरिज, यस, सुन्नी लॉ में नहीं होती, शिया लॉ में होती है, फॉर फिक्स पीरियड होती है, तो ए सी डी आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। अब दोनों तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें से एक ही ठीक होगा, 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 25, अदर्शन है, शरीयत एक्ट 1937 मेक्स मुस्लिम लॉ एप्लीकेबली एक्सप्रेसली टू ऑल मुस्लिम्स, दिस इज करेक्ट, द एक्ट हैज एब्रोगेटेड ऑल द कस्टम्स एप्लीकेबल टू मुस्लिम्स एक्सेप्ट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, इसकी का एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 4, बोथ आर करेक्ट, आर इज करेक्ट रीजन फॉर ए।
नेक्स्ट है 50, द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अमंग मुस्लिम्स इज ए हसन। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं, प्रीवियस पेपर्स की वीडियो देख लीजिए, मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं, ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट 52, इन डिफॉल्ट ऑफ मदर एंड फीमेल रिलेटिव द फॉलोइंग पर्सन आर एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ मुस्लिम चाइल्ड। तो फर्स्ट किसके पास है, फादर, फिर पैटर्नल ग्रैंड फादर, फिर फुल ब्रदर, फिर कैंजिगन ब्रदर। तो आंसर क्या है, मैंने कहा इसका 2, 1, 3, 4, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 53, और फिर से इसको बताना है, फिर से ऑर्डर में लगाना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं 53 में। अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स बिसाइड द फॉर्मर हस्बैंड ऑफ मुस्लिम वुमेन द फॉलोइंग रिलेटिव एटसेट्रा आर लायबल टू पे मेंटेनेंस टू हर। तो पहले कौन पे करेगा, पहले करेंगे चिल्ड्रन, फिर पेरेंट, फिर अदर रिलेटिव, फिर वक्फ बोर्ड। तो क्या बनेगा इसका, 1, 4, 2, 3, 4 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मुस्लिम लॉ विच केम इन द एग्जाम पेपर ऑफ UGC नेट लॉ पेपर्स फ्रॉम द ईयर 2016 to 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।